मंडी जिला के रंधाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 37 स्कूलों की छात्राएं भाग ले रही हैं। सुंदर ये नन्ही बालिकाएं रंधाड़ा स्कूल में साइगलू जोन की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि ने छात्राओं द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस मौके पर स्कूली छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर ने खेलों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्राएं आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। चंपा ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल के खिलाड़ी खेलों में देश और प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ऋषि धवन, दीपक ठाकुर और सुमन रावत जैसे खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम खेलों में रोशन किया है। बच्चियां बढ़ चढ़कर आगे निकल रही है और मैं इन स्कूल की बच्चियों को उनसे यही प्रार्थना करती हूं कि खेल को खेल भावना से खेलें और आगे बढ़े और एक गोल सेट करें इस तरह से कि जैसे आज हमारे मंडी के ही आज ऋषि धवन ने मुकाम हासिल किया, दीपक ठाकुर, पीछे हमारी सुमन रावत जी रहे, इसी तरह से सभी अपने अपने क्षेत्र में, जैसे आप ग्रेट खली है, ग्रेट खली भी नाम कमाया, इसी तरह से कई हमारे हिमाचल के जो खिलाड़ी आगे निकले हुए हैं उन्होंने प्रदेश का ही नहीं देश का नाम रोशन किया हुआ है और अपने गांव, मोहल्ले और माता पिता का नाम आज रोशन किया हुआ है। इसी तरह से मैं इन बच्चियों से आग्रह करती हूं कि आगे बढ़े और अपना एक गोल सेट करें और किसी भी गेम को आगे ले जा सकती है। खेलों के बारे में जानकारी देते हुए रंधाड़ा स्कूल के प्रधानाचार्य हेमराज भोपाल ने बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल जैसी खेलें आयोजित की जा रही हैं और छात्राओं के रहने और खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। हेमराज भोपाल ने बताया कि मुख्य अतिथि चंपा ठाकुर ने स्कूल के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा भी की है। और आज जो मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती चंपा ठाकुर जी ने आई, उन्होंने बच्चों के लिए विद्यालय के कक्षा कक्ष हेतु 1 लाख रुपया विद्यालय का फर्नीचर खरीदने के लिए दिए। मैं शिक्षा विभाग की ओर से, विद्यालय प्रशासन की ओर से और बच्चों की ओर से मैडम का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 1 लाख रुपया अपना इस विद्यालय को देने का निर्णय लिया है। और यह प्रतियोगिता 8 से लेकर के 10 तक चलेगी और इसके साथ साथ ही 10 तारीख से हमारे पास इसी खंड की छात्रों की प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी। वो प्रतियोगिता जो है वो 13 तारीख तक चलेगी। खेलें मानवीय जीवन को अनुशासित और मानवीय जीवन का शारीरिक और मानसिक विकास करती हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।